अगर प्लेयर्स ने किया हो। और कुछ कुछ प्लेयर्स ऐसे भी होते हैं, ये रहता भी, अगर किसी गाड़ी फंस गया अपने दूसरे टीममेट को बुलाएंगे गाड़ी को निकलवाने के लिए, या फिर अगर किसी दूसरी टीम में गाड़ी नहीं मिल रही है तो ग्रेनेड से। खैर गाड़ियों की बात करें, गैलेक्सी रेसर्स के प्लेयर्स यहाँ पर रश कर चुके हैं, दे आर लुकिंग वेरी 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 डेडली एट दिस मोमेंट, और आएंगे प्लेयर्स को फिनिश करेंगे और आगे निकलने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। बट क्या है एनएस सर के जो एक प्लेयर बचे उनको देख पाएंगे? नहीं पता, यहाँ से जाना पड़ेगा उनको, और वो जा रहे हैं काफी तेज, उनकी स्पीड नजर आ रही है। जो सर्कल है ये जाता है उस जंक्शन पर जो चार रोड्स का जंक्शन रहता है वहां पर, और पोटैटो हिल भी इस वाले जोन में हमें दिखती है जो कि यू नो हम प्रेडिक्ट कर रहे थे। मैक्स रश, ओ ही बेयरली सर्वाइव दो, बट बात अब यही आती है कि अगर वो स्पॉटेड है तो मैक्स रश वापस कोई भी यू नो गलत पीक या फिर कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। अब उनके पास एक प्लान भी बन सकता है अगर वो बनाना चाहें, लेकिन उनको ये दिखता है कि यू नो पीछे से और भी टीम्स आने वाली है। मीनवाइल गैलेक्सी रेसेस की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं वो स्नाइपर्स के साथ फाइट ले रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है गैलेक्सी रेसेस ये फाइट आराम से निकाल सकती है, और वो इसके लिए यू नो पूरे तत्पर भी है। वहां पर यहां पर हल्के फुल्के प्लेयर्स नजर आ रहे हैं, आप स्नाइपर के क्लब्स को देख सकते हैं, वो कोशिश कर रहे थे ग्रेनेड्स के द्वारा, ज्यादा ऐसा डैमेज नहीं हो पाया है। अल्ट्रॉन पीछे की तरफ को है, मार्को और क्लब्स इकट्ठे हैं, एंड मैक्स कैश जरूर डैमेज यहां पर देख सकते हैं। मार्को को डैमेज हल्का सा पड़ा, बट मैक्स कैश को भी डैमेज यहां पर पड़ चुका है। दोनों की लोकेशन कॉम्प्रोमाइज है, शायद मार्को आगे जाते तो ये उनके लिए अच्छा हो सकता, बट वो हल्का सा अपने लिए पीछे आ चुके हैं, और थ्रोएबल्स का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल, मैंने एंटिसिपेट किया था कि मार्को में भी मैक्स क्रश के तरफ ग्रेनेड्स फेंकेंगे, बट वेल देखते हैं यहाँ पे, इन्होंने छोटी मोटी गलतियां तो जरूर करी है। टीम स्नाइपर्स को ऑलरेडी एक प्लेयर का नुकसान हो चुका है, ओवेस क्या पीछे से बैक यू नो कवर फायर दे पाएगा, एक बड़ा सवाल बन जाता है। फिलहाल मार्को ने यहाँ पे फ्लेयर लॉयल टीम के प्लेयर्स को स्पॉट किया, और फ्रॉम द फार ऑफ प्रे यहाँ पे गैलेक्सी रेसर्स के ओवेस को डाउन कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा झटका बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे गैलेक्सी रेसर्स के बाकी प्लेयर्स को किसी तरीके से उनके पास जाना पड़ेगा उनको रिवाइव करने के लिए। मैक्स क्रश भी काफी लो एचपी पे, देखते हैं यहाँ पे इस फाइट का क्या अंजाम बन के आता है। गैलेक्सी रेसर तैयार है, उनको वो यही चाहते हैं कि ना फाइट उन पे आए, और वो फाइट लेने के लिए तैयार हैं, बट अब उनको आगे जाना पड़ेगा ओवेस के पास, और वो उसके लिए भी यू नो कोशिश कर रहे हैं। सो तत्पर है ये टीम, काफी बेहतरीन तरीके से अपनी कॉलिंग्स को इन्होंने काफी अच्छे तरीके से परखा है, समझा है, लेकिन मार्को को नहीं जाने देंगे, सीधा उनको डाउन किया जाएगा और पिक निकाल जाएगा। 5 किल्स है एमजे के पास, 5 किल्स, टीम के पास 6 किल्स है, बट 5 किल्स अकेले एमजे के हैं। ही इज एक्चुअली ऑन अ रैम्पेज राइट नाउ। जी आई मीन सबसे जैसे हमने बार बार बोला है, वन ऑफ द मोस्ट साइलेंट अंडररेटेड असैसिंस आप बोल सकते हो एमजे को। जितना यू नो जितने प्यारे दिखते हैं उतने खतरनाक गेम के अंदर ही हो जाते हैं, और आई थिंक हमने बार बार देखा है टूर्नामेंट्स में, क्लचेस की बात करें कभी भी इन्होंने हमको निराश नहीं करा है। फिलहाल एमजे फिर से यहाँ पे ऑलरेडी स्पॉट आउट करते हुए के हेलमेट को, काफी लो एचपी पे मौजूद है हेलमेट, उनके ऊपर फिर से स्प्रे लेते हुए, लेट्स सी इफ वी कैन एक्चुअली कनेक्ट। बट हेलमेट के पास यहाँ पे एक ट्री का कवर है, तो एक जीवनदान मिलता, बट कितने देर के लिए जीवित रहेंगे ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। इन द मीनवाइल गैलेक्सी रेसर्स ने यहाँ पे ओवेस को समहाउ गवा दिया है। वेल लिखर के प्लेयर्स भी धीरे धीरे अगर आप देखें यू नो आगे मूव कर रहे हैं, प्लेयर्स भी क्या बोलूंगा, प्लेयर ही बचे हैं यहाँ पर अकेले, तो वो जा रहे हैं और वो कवर इस बाइक को बनाना चाहते हैं। आई डोंट थिंक सो कि एक बाइक डिसीजन होना चाहिए, उनको पिक यहाँ पर आराम से किया जा सकता है, बट नहीं, हेलमेट वहां पर अल्ट्रॉन को जरूर पिक करते हैं, और इसी ट्राई बाइक पर बैठ करके अब वो भी आगे मूव कर रहे हैं, बट ज्यादा आगे नहीं जाने दिया जाएगा। एमजे एक और किल निकालते हुए, 7 किल्स हो चुके हैं इनके पास, 9 किल्स टीम के पास है, 7 किल्स अकेला प्लेयर लेकर के बैठा हुआ है। That guy is legit a clutch machine, right? किसी भी क्षण यहाँ पे पकड़े जा सकते हैं अल्फा लेजेंड्स के प्लेयर्स उनके बिल्कुल सामने, but it's gonna be guns who are gonna be wiping them out. Well, 7 टीमें यहां पर बची हैं, और उसके अंदर आप देख सकते हैं मैक्स कैश एमजे की जोड़ी अभी भी फाल्कन के ऊपर काफी अच्छा प्रेशर यहां पर बनाने की कोशिश कर रही है। इन्होंने अल्ट्रॉन और ओवेस को खो जरूर दिया है, बट इनको कोई मलाल नहीं, इनको पता है कि ये दो प्लेयर्स अपनी सारी फाइट्स अच्छी बना सकते हैं। मैक्स कैश के ऊपर डैमेज काफी ज्यादा पड़ा था, बट वो अपने आपको कहीं ना कहीं हील करना चाहेंगे इस मौके पर, और एमजे बैकलाइन से पूरा एरिया देख रहे हैं। अल्फा लेजेंड्स मीनवाइल अच्छी फाइट लेते हुए नजर आ रही है, गन्स एक्सपोर्ट्स का एलिमिनेशन यहां पर हो चुका है, सर्कल के सेंटर लाइन में कोई नहीं है। सोचिए अल्फा लेजेंड्स जा जरूर सकती है, लेकिन उनको एक प्लेयर को रिवाइव देना पड़ेगा, उसके बाद आगे मूवमेंट वो अपनी आराम से निकाल सकते हैं अगर वो करना चाहे। अरब जीएसजी काफी एक अलग कोने पर है, पीछे गैलेक्सी रेसर्स के प्लेयर्स और फाल्कन के प्लेयर्स अलग अलग कोनों पर हैं, बट बात हो जाती है कि फाल्कन के जो प्लेयर्स हैं, दो प्लेयर्स एक साइड पर, दो प्लेयर्स उस साइड पर, तो गैलेक्सी रेसर को दिक्कत दे सकते हैं, और सर्कल फाल्कन के पास है, मतलब सर्कल गैलेक्सी रेसर के भी काफी करीब है, निकाल सके, देखते हैं हो पाता है या नहीं। अरब जैसे के प्लेयर्स लेकिन आगे मूव कर रहे हैं, उनको सर्कल में काफी एक अलग यू नो साइड लाइन से रोटेशन देनी थी, वो आ चुके हैं यहां पर, आप देख सकते हैं सदन साइड से आते हुए, लेकिन फाल्कन के प्लेयर्स ऑल राइट। वेल पिक्स यहां पर गाड़ी के थ्रू इसको देख सकते हैं, देखते हैं कि क्या वो इस फाइट के अंदर कुछ निकाल पाते हैं या नहीं। मैक्स कैश मीनवाइल फाल्कन के केडब्ल्यूटी को काफी ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं, बट द थिंग इज पीछे से अल्फा लेजेंड्स भी आ चुकी है इस फाइट में।
जी हाँ, आई थिंक कहीं ना कहीं मैं चाहता था कि अगर गैलेक्सी रेस इस फाइट में थोड़ी और शांत रहती, अपना पोजीशन इंस्टेंटली रिवील नहीं करती बाकी सारी टीम्स को, तो बेटर हो सकता था, बट भी हो सकता है। देखते हैं क्या चीज होता है। स्नाइपर के जो इकलौते प्लेयर है वो भी सर्कल के बाहर रह चुके हैं, और फाल्कन के केडब्ल्यूटी को भी यहां पर पिक किया जाएगा, मार्शल को वो पिक मिलता है। फाल्कन लास्ट भी यहां पर जा चुके हैं, मतलब फाल्कन ई स्पोर्ट्स का एलिमिनेशन, पांच टीमें बची हैं और इन पांच टीमों में स्नाइपर्स के इकलौते प्लेयर है। खैर उनकी बात भी हम करेंगे, लेकिन मैक्स कैश को देखिए यहां पर पिक्स निकाल रहे हैं आरटीजी के अगेंस्ट, और हल्का सा उनको भी सर्कल में जाना है, वहां पर शायद उनका जो कवर है वो दिक्कतों में आ जाए, बट आल्फा लेन से यहां पर आरटीजी फाइट ले सकती है, और आरटीजी मीनवाइल यू नो ये आपस में लगे रहेंगे उसी के अंदर, कहीं ना कहीं सर्कल का आगे का एरिया इनका डाउन साइड का है, तो वहां पर एंट्री लेकर के अपने कवर्स जितना जल्दी बना सके उतना बेहतर रहेगा, अदरवाइज ये पूरे एक्सपोज हो जाएंगे। वेल सेंक के आगे आए थे, बट अब यही बात आती है, आप देखिए गैलेक्सी रेसर मैक्स ओ ही बेयरली सर्वाइव्ड, बैरली बैरली सर्वाइविंग, जैसे आपने बोला मैं बिल्कुल 100% सहमति रखता हूं, क्योंकि अगर सर्कल गैलेक्सी रेसर से हटा तो इनको ओपन में जाना पड़ेगा और फिर उनको इजीली डाउन कर दिया जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पे हमारे प्लेयर शोर मचा रहे हैं, उनका पोजीशन पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो रखी है। जीएसटी को भी पता है, देखिए यहाँ पे फाइनली फ्लैंक एंगल मिलता हुआ, बट वाओ क्या रिटेलिएशन यहाँ पे देखने को मिलता हुआ प्लेयर्स के द्वारा। एंड इनफैक्ट देखते हैं यहाँ पे अल्फा लेजेंड्स के प्लेयर्स ऑलरेडी दो फिर से डाउन हो रखे हैं गैलेक्सी रेसर्स, क्या अपने टीममेट को रिवाइव कर रहा है। सर्कल के अंदर उनको जाना भी पड़ेगा, जाने के What? लिए उनको अरब जीएसटी को वाइप करना पड़ेगा, बट आरटीजी के प्लेयर्स व्हाट वर दे इवन थिंकिंग, मैंने कहा तो डाउन के, लेकिन इसी के अंदर गेम कहीं ना कहीं हल्का सा बिगड़ चुका है, क्योंकि क्योंकि आखिरी बचे रिवाइव यहां पर करना चाहेंगे, ग्रेनेड्स किए जा रहे हैं, ये काफी एकदम से गेम बदल चुका है। इस पूरे के दो प्लेयर्स डाउन है और मार्शल पीछे से एनिमी सेट करके बता भी रहे हैं कि कहां पर प्लेयर्स हैं, उसी के चलते हम प्लेयर्स आगे जा रहे हैं। केओस की एचपी कम है, वहां पर जोनी की एचपी काफी कम है, लेकिन सेंक के भी कम एचपी के साथ जा रहे हैं, 12 गोलियां बची इनके पास, क्या ये टेक डाउन कर पाएंगे। ओ माय गॉड, अल्फा लेजेंड्स के अगेंस्ट यहां पर क्लच करते हुए आप देख सकते हैं आरटीजी के प्लेयर्स, एक बेहतरीन क्लच उनकी तरफ से है, बट दैट गिव्स एन ओपनिंग, दैट गिव्स अ विंडो फॉर गैलेक्सी रेसर्स टू मूव फॉरवर्ड। 31 गोलियां यहां पर एमजे के पास, वो एक और किल उठा सकते हैं फ्लेम का, सबसे पहले देयर इट इज, आठवां किल इस प्लेयर का यहां पर, 10 किल्स टीम के पास है, क्या एमजे पीएमपीएल अरेबिया में डबल डिजिट किल मारकर हिट कर पाएंगे या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल अभी के लिए है, और इस समय जब तीन टीमें बची हैं तो एमजे अपनी फॉर्म बेहतरीन तरीके से दिखाना भी चाहेंगे। जी हाँ, किसी तरीके से सर्कल के अंदर जा तो चुके हैं, फिलहाल आरटीजी के बाकी दो प्लेयर्स रिवाइव भी हो चुके हैं, अगर सही टाइम चल के एक अच्छा प्यारा ग्रेनेड एमजे डाल सकते हैं या फिर मैक्स काश, उन दोनों में से कोई भी, तो आई थिंक यहाँ पे गेम बदल सकता है। फिलहाल गैलेक्सी रेसर्स के प्लेयर्स यहाँ पे दूसरों के लूट क्रेट्स पे यहाँ पे नजर डालते हुए जितना चीज यहाँ पे जितनी यूटिलिटीज कलेक्ट कर सकते, जितने स्मोक्स यहाँ पे, इनफैक्ट नेड्स आर द मोस्ट क्रूशियल यूटिलिटीज एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, सो लेट्स सी। फिलहाल मैक्स काश ने स्पॉट जरूर किया, सेंके को काफी ज्यादा डैमेज दिया है, बट डाउन अब तक नहीं कर पाए, फाइनली सफलता मिलती हुई, बट उनको देख परख के क्वेश्चन यहाँ पे मूवमेंट्स लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर की तरफ नजर आ रही है टीम अरब जीएससी, जिनका फाइट यहाँ पे होता हुआ आरटीजी के साथ, एक परफेक्ट मेक्सिकन स्टैंड ऑफ हमको फाइनली देखने को मिलता हुआ। आप इस सब में जितना मर्जी बोल दीजिए, आप ओवेस के कॉल्स को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, उनके कॉल्स है कि ऊपर की तरफ को देखना, साइड को देखना, अभी सर्कल में जाओ, अभी यहां पर प्लेयर्स को टेक डाउन करो, दैट्स व्हाट एन आईसीएल डस इवन व्हेन इज नॉट देयर, और एमजे उन चीजों पर अच्छा अमल कर रहे हैं, मैक्स एश उन चीजों पर अच्छा अमल कर रहे हैं, गन फाइट्स उनकी बेहतरीन है ही, बट जो एक साथ 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 कॉल्स देती है वो और बेहतरीन बना देते पूरी गेम को। खैर इस मौके पर एमजे आप स्पॉट किए जा चुके हैं, बट रेक्स काफी करीब है और एमजे को चीज पता चल चुकी है, पीछे की तरफ को जा चुके हैं, अच्छे तरीके से अपने एरिया संभालना, अपने एरिया की फाइट लेना, this is brilliant, this is the galaxy racer we wanted to see even with two men, they are actually two men strong right now। अभी आप देखिए यहाँ पे सामने एक टीम के पास चार प्लेयर्स हैं, दूसरे टीम के पास तीन प्लेयर्स हैं, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे कि गैलेक्सी रेसर्स इस एंटायर मैप को अभी के लिए कंट्रोल कर रहे हैं, इस एंटायर जोन को ऐसे ऐसे लग रहा है कि वो कंट्रोल कर रहे हैं। 10 किल्स ऑलरेडी प्लेयर्स निकाल चुके हैं और भी चाहेंगे कि और ज्यादा बेहतरीन किल्स निकाल पाए, बट ये जो सन्नाटा हम लोग को देखने को मिल रहा है ये आर और पार वाला सिचुएशन है, एंड ऑलरेडी गैलेक्सी रेसर्स को पता चल चुका है कि यहाँ पे आरटीजी के प्लेयर्स पोशन करते हुए नजर आ रहे हैं, एमजे इंस्टेंटली गोलियां चलाते हुए गोलियां खत्म हो गई, इंस्टेंट स्विच करा, मार्शल को नॉक करा, हाउ डज ही डू दिस,
डज इट विद अ ब्यूटी एंड दैट इज कि उनका गेम सेंस काफी बेहतरीन है। एमजे यहां पर 9 किल्स कर चुके हैं, एक किल दूर है डबल डिजिट से। एमजे यहां पर अपने किल्स कंफर्म करते नजर आ रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग एमजे, लेकिन स्पॉट हो चुके हैं इस पूरे एरिया पर। 11 किल्स है गैलेक्सी रेसर के हिस्से में। मैक्सेस आगे मूव कर रहे हैं। ये एक सिचुएशन बन चुकी है 2v4 की। क्या गैलेक्सी रेसर ये सिचुएशन निकाल सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमजे टेक इट ऑन मैक्सेस, एक तरफ डाउन कर चुके हैं। मैक्सेस यहां पर पिक्स निकाल पाएंगे? नो ही डस नॉट। CSC they do get this win, but Galaxy Racers, that was brilliant altogether in every fight they took. RFGSC, congrats.